हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरों की पिंडलियों में होने वाले दर्द के बारे में, कि पैरों के पिंडलियों में क्यों ऐठन होता है, क्या कारण है कि उसमें जो है ऐठन होने लगता है, क्रैम्प होने लगता है, इसके क्या लक्षण देखने को मिलता है, और इस वीडियो में जानेंगे इसके इलाज के बारे में भी कि कौन कौन सी दवाइयाँ देकर जो है इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, पैरों में होने वाले जो ऐठन है एक प्रकार का आम समस्या है जो किसी को भी हो सकता है। आमतौर पर लोग जो है इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार इस लापरवाही के चलते कुछ जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। जब पैरों की मांसपेशियों में अचानक से अकड़न होने लगे तो उसे पैरों में ऐठन होना कहा जाता है। इस दौरान जो है व्यक्ति को बहुत तेज दर्द महसूस होने लगता है और यह समस्या आमतौर पर पैरों के निचले हिस्से जो पिंडलियां है उसमें या जांघों में हो सकती है। इस स्थिति में प्रभावित हिस्से को छूने पर जो है गांठ सा महसूस होता है और पैरों में ऐठन की यह परेशानी कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक बनी रह सकती है। पैरों में ऐठन की वजह से होने वाला जो दर्द है अधिकांशतः रात के समय में ज्यादातर देखने को मिलता है। अब बात करेंगे कि पैरों के पिंडलियों में होने वाला जो दर्द है यह किस कारण से होता है, इसके कारण की बात करें तो देखिए, जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम की या कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो है पैरों की पिंडलियों में दर्द होने लगता है, ऐठन होने लगता है। या फास्फोरस की मात्रा अगर बढ़ जाती है, हमारे बॉडी में जो है फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में भी जो है पैरों की पिंडलियों में दर्द होने लगता है। या मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़े उसके कारण भी हो सकता है। या जो है विटामिन B12 की कमी के कारण जो है पिंडलियों में दर्द हो सकता है। आयरन फॉलिक एसिड के कमी के कारण भी हो सकता है। या जो है हमारे बॉडी में जो है अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, मतलब किसी व्यक्ति को थायराइड्स की प्रॉब्लम, तो उस स्थिति में भी जो है पिंडलियों में प्रॉब्लम हो सकता है। या मधुमेह के पेशेंट में भी जो है पिंडलियों में दर्द होता है। या ब्लड में यूरिक एसिड अगर ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी जो है पिंडलियों में जो है दर्द होता है, ऐठन होने लगता है। इसके अलावा जो है मांसपेशियों में अधिक खिंचाव के कारण या पीठ या गर्दन की नस दब जाने के कारण या रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने के कारण या हमारी मांसपेशियों में जो है अच्छी तरह से ब्लड का प्रवाह ना होने से, ब्लड फ्लो ना होने से या डिहाइड्रेशन की समस्या ना होने से जो है हमारी मांसपेशियों में जो पिंडलियां है उसकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ऐठन होने लगता है। तो ये था कुछ कारण जिसके कारण जो है हमारी पिंडलियों में जो है दर्द होता है। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें कोई कुछ खास लक्षण नहीं देखने को मिलता है। ये तो लक्षण है कि जो पिंडलियां है उसमें जो है ऐठन सी महसूस होता है और कठोर हो जाता है, छूने से जो है वो अकड़न सी महसूस होती है और गांठ सी महसूस होती है और बहुत तेज भी दर्द भी होता है उस हिस्से में। कभी कभी जो है सुन्नता हो जाता है या कभी कभी उसमें जलन जैसी भी महसूस होती है। और बात करें इसके ट्रीटमेंट के कि इसमें क्या क्या इलाज करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो पेशेंट को कैल्शियम युक्त भोजन देना चाहिए जिससे व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की मात्रा जो है पूर्ण हो जाए। जैसे पनीर खिलाना चाहिए, दही दूध फल मीट मांस मछली का सेवन कराना चाहिए, इससे व्यक्ति के शरीर में जो है कैल्शियम की जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा पैरों में जो है तेल की मालिश करवाए और जो है कैल्शियम सैंडोज का इंजेक्शन आता है 10 ml का, आप स्लो में IV जो है स्लो में पुश करना है डेली जो है लगभग 3 दिनों तक, एक एक इंजेक्शन जो है 3 दिनों तक यूज करना है। कैल्शियम सैंडोज का इंजेक्शन आता है जिसमें जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम लैक्टोबायोनेट होता है। इस इंजेक्शन को 3 दिनों तक जो है IV आपको यूज करना है। इसके अलावा जो है अगर मांसपेशियों में क्रैम्प हो रहा है, अगर सहन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में जो है आप जो है फ्लेक्सन MR टेबलेट या जो है एसिक्लो MR टेबलेट या जीरोडोल MR टेबलेट, तीनों में से कोई एक टेबलेट जो है ये मसल को रिलैक्स करने के लिए यूज कर सकते हैं। या इसके जगह पे आप बैक्लोफेन टेबलेट जो है एक एक टेबलेट दिन में 2 बार या 3 बार ले सकते हैं। जब ऐठन हो तब या जरूरत के अनुसार ले सकते हैं, मतलब जब महसूस हो, ऐठन महसूस हो, दर्द बर्दाश्त न हो, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। ऐसे इसकी उतनी जरूरत नहीं है पेन किलर की। और आप जो है एक एक टेबलेट जो है गैस की टेबलेट भी आप ले सकते हैं, मतलब जो है एसीलॉक की टेबलेट आता है या गैस पास कैप्सूल आता है, जो एक टेबलेट जो है खाली पेट सुबह में, एक टेबलेट शाम में खाना खाने से पहले आप यूज करें। और जो है विटामिन्स
और बी कॉम्प्लेक्स की कमी को पूरा करने के लिए इसका इंजेक्शन या कैप्सूल या टेबलेट यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इंजेक्शन में जो है न्यूरोबियन का 2 ml का जो है एम्पूल आता है, वो मांसपेशियों में IM जो है 1 दिन छोड़कर लगभग 5 दिनों तक इसको आप ले। आप चाहे तो इसकी टेबलेट भी जो है एक एक टेबलेट डेली या 2 टाइम जो है न्यूरोबियन फोर्ट की टेबलेट आता है, इसे आप 2 टाइम या 1 टाइम डेली आप ले सकते हैं। लगभग इसे आप 1 महीने तक यूज करें। और इसके अलावा जो है आप जो है कैल्शियम और विटामिन D3 की टेबलेट आता है, उसे भी आप रोजाना 1 टेबलेट खाना खाने के बाद ले। तो ये था कुछ दवाइयाँ जिसका यूज करके जो है आप जो है पैर की पिनलियों में जो ऐठन होता है इसको ठीक कर सकते हैं, यानी इसके इलाज के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो नॉलेज दिया हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और किसी का भी काम आ सके।